वालेकुम दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार यमी ठंडी ठार मज़ेदार गर्मियों का तोहफा। अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से एक नेमत दही, जो कि हेल्थ से भरपूर है, गजाइत से भरपूर, स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें शामिल प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिंस स्किन को, हेल्थ को, मैदे को बहुत फ़ायदा देते हैं। और इससे बनने वाली डिफरेंट फ्लेवर की लस्सी की रेसिपीज़ जो कि गर्मियों में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। मगर इस वीडियो में है क्या, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, लिहाजा वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। पसंद आए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जानते हैं दही की अफादियत के बारे में। आप सबको पता है कि दही में शामिल अज्जा स्टमक के लिए बहुत ही बेहतरीन है। एक बाउल दही रोज़ाना अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लें तो इसके हज़ार हाँ बेनिफिट्स आपको हासिल होंगे। चाहे लस्सी की शक्ल में आप इसे इस्तेमाल करें, चाहे स्मूदी की शक्ल में या फ्रूट सैलड की शक्ल में, हर तरह से आपको फ़ायदेमंद होगी। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए लस्सी की मुख्तलिफ फ्लेवर्स और उसकी रेसिपीज़। जी हाँ, गर्मियों के दिनों में लस्सी हम सब की फेवरेट है, और जबकि रमज़ान का महीना भी चल रहा हो तो फिर ठंडी ठंडी मज़ेदार लस्सी के क्या ही कहने। यहाँ पर देखें लस्सी के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। पहले प्लेन लस्सी यानी सादी जो मिक्सर में बनाई जाती है, उसके बाद मैंगो लस्सी, फिर है लस्सी रूह अफज़ा के साथ, और उसके बाद आप यहाँ देखिएगा मिंट लस्सी। सभी ने पी हुई है, किस कदर रिफ्रेशिंग है। मिंट के तो अपने ही फ़ायदे बेशुमार हैं। ये आपके स्टमक के लिए बहुत ही बेहतरीन है, हाजमे के लिए बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दही का इस्तेमाल आपके स्टमक को स्मूथ करता है, इसके फंक्शन को, स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। आपके हेयर केयर के लिए दही का इस्तेमाल नहायत फ़ायदेमंद है। यहाँ पर आप देखें ठंडी ठार लस्सी और इंजॉय करें। और जनाब लस्सी को आप मुख्तलिफ तरीके से बना सकते हैं। कुछ लोग स्वीट यानी मीठी लस्सी पसंद करते हैं और कुछ लोग नमकीन लस्सी पसंद करते हैं। तो जो लस्सी भी आपको जिस तरह भी पसंद है उसी तरीके से बनाएं और गर्मियों में इंजॉय करें, क्योंकि और लस्सी जो है आपको इस कदर फ़ायदा देती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। ये देखें ये ऑरेंज लस्सी किस कदर अच्छे तरीके से बनाई गई है। मैंने भी पहली दफ़ा ही इसको ट्राई किया, ये ऑरेंज लस्सी आप भी पिए, आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। गर्मियों के मौसम में दही खाने का अपना ही लुत्फ़ है। और आपको ये बात बताती चलूं दोस्तों कि दही का इस्तेमाल दिन के वक्त सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है, जबकि रात के वक्त दही का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। और अगर मजबूरी में आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो नहायत कम क्वांटिटी में। और देखें दोस्तों ये बन रही है बनाना लस्सी, इस कदर टेस्टी है, यमी ठंडी ठंडी। आप अफ्तारी में इसे पिए, आपको बहुत ही लुत्फ़ देगी। और दोस्तों ये बन रही है स्ट्रॉबेरी लस्सी। जब स्ट्रॉबेरी का सीज़न नहीं होता तो आप टिन पैक मंगवा लें, जो फ्रूट कॉकटेल होती है उसमें स्ट्रॉबेरी का अलग से टिन पैक मिलता है। वो स्ट्रॉबेरी भी बहुत ही फ्रेश होती है, बिल्कुल भी उसमें खटास नहीं है। उससे आप ये लस्सी बनाएं, बहुत मज़े की, बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही लजीज बनेगी। मैंने भी ट्राई की है, आप भी ट्राई करें और इन्जॉय करें इन गर्मियों के दिनों में ठंडी ठार लस्सी। और दोस्तों यहाँ पर आखिर में बन रही है पाइन एप्पल लस्सी। आप कहेंगे जी पाइन एप्पल तो बहुत ही खट्टा होता है, तो जो रियल पाइन एप्पल होता है वो वाकई बहुत खट्टा होता है, लेकिन जो फ्रूट कॉकटेल में जो टिन में पाइन एप्पल स्लाइसेस या क्यूब्स आते हैं उनका जायका बहुत स्वीट होता है। लिहाजा आप वही पाइन एप्पल लस्सी के लिए इस्तेमाल करें, और चाहे तो उसमें शुगर भी ज़्यादा डालें ताकि उसका जो टेस्ट है वो स्वीट हो जाए। पाइनएप्पल लस्सी का फ्लेवर बहुत डिफरेंट है, बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत ही मज़ेदार। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये ठंडी ठार मज़ेदार लस्सी की रेसिपीज़ आपने ज़रूर इंजॉय की होंगी। अपनी राय से आगाह कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।